जो इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है कि घर तो बन नहीं सकते इतनी जल्दी, तो उन्हें खेमे मुयस्सर किए जाएं। तो जो हमारे भाई खेमे बनाते हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह खेमे पहुँचाएँ, हमारी फाउंडेशन को पहुँचाएँ, या जो भी फाउंडेशन करीब है उसको पहुँचाएँ, या जो बेचना चाहते हैं तो वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनसे इंशाल्लाह ख़रीद कर और वहाँ हम अपने भाई बेयार और मददगार भाइयों की वहाँ उनको छत फराहम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ भी आपको अपडेट कर रहे हैं, मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खैमे बनाने वालों से अपील कर दी। अपने वीडियो पैगाम में मौलाना तारिक जमील ने कहा कि खैमों का कारोबार करने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो फ़ी सबीलिल्लाह खैमे फराहम कर दें। उन्होंने कहा कि जो लोग खैमे फ़रोख करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इस वक्त खैमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों के घर तबाह हो गए वो घर तो नहीं बना सकते, मगर उन्हें खैमे फराहम करके उनकी मदद की जा सकती है। एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं, मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खैमे बनाने वालों से अपील कर दी। अपने वीडियो पैगाम में मौलाना तारिक जमील ने कहा कि खैमों का कारोबार करने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो फ़ी सबीलिल्लाह खैमे फराहम कर दें। उन्होंने कहा कि जो लोग खैमे फरोख्त करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इस वक्त खैमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों के घर तबाह हो गए वो घर तो नहीं बना सकते, मगर उन्हें खैमे फराहम करके उनकी मदद की जा सकती है।